हेलो दोस्तों, हाउस प्लानर टू चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त आर्किटेक्ट महिपाल। मैं आज आप लोग लेकर आया हूं जिस मकान की साइज है 33 फीट बाई 32 फीट। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, अगर बात करते हैं हमारी मकान की चौड़ाई की, जो कि हमारे यहाँ से लेके यहाँ तक वो हमारे पास है 33 फीट है। 33 फीट हमारे पास मकान की चौड़ाई है और जो हमारी मकान की लेंथ है यहाँ पीछे से लेके यहाँ सामने तक वो हमारे पास है 32 फीट है। 32 फीट हमारे पास मकान की लंबाई है। तो 33 × 35 हमारे पास टोटल मकान का एरिया हो जाएगा और इससे थोड़ा कम भी होगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो 5 फीट 9 इंच जगह है यहाँ पर 6 फीट की, ये थोड़ी सी कम हो जाएगी इसका बिल्टअप एरिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसके सामने से शुरुआत करते हैं। तो 5 फीट 9 इंच चौड़ाई के अंदर ये हमारा बरामदा रहेगा और यहाँ पर 2 कॉलम लग जाएंगे। ठीक है, और बरामदा के जैसे सामने हमारा घर का मेन डोर आएगा 4 फीट का। इस मेन डोर को हम जैसे ही खोलते हैं तो पहुँचते हैं डाइनिंग और लिविंग एरिया के अंदर, जिसकी हमारे पास साइज है 12 फीट बाई 14 फीट है। तो यहाँ पर हमारे सोफे और डाइनिंग टेबल दोनों लग जाएगी और इसकी 5 फीट की विंडो हमारी सामने निकल रही है। अब इस डाइनिंग और लिविंग एरिया इस तरफ आते हैं, यहाँ पर देखिए 3.5 फीट का दरवाजा और ये हमारा दोस्तों घर का फर्स्ट बेडरूम है, जिसकी हमारे पास साइज है 10 फीट बाई 12 फीट है, जिसकी एक 4 फीट की विंडो सामने निकल रही है, 4 फीट की विंडो यहाँ पर निकल रही है। इस बेडरूम से बाहर आते हैं तो यहाँ पर देखिए 2.5 फीट का दरवाजा, कॉमन टॉयलेट है, जिसके हमारे पास साइज है 5 फीट बाई 6 फीट 1 इंच, जिसका 2 फीट का वेंटिलेशन यहाँ पर निकल रहा है। कॉमन टॉयलेट से बाहर आते हैं तो यहाँ पर देखिए 3.5 फीट का दरवाजा और ये हमारे घर का सेकंड बेडरूम है, जिसके हमारे पास साइज है 10 फीट बाई 12 फीट है, जिसकी एक 4 फीट की विंडो यहाँ पर और एक 4 फीट की विंडो पीछे निकल रही है। और इस बेडरूम से बाहर आते हैं, इसके जस्ट पास में यहाँ पर देखिए 3.5 फीट का दरवाजा और ये हमारा घर का थर्ड बेडरूम है, जिसके हमारे पास साइज है 10 फीट बाई 12 फीट, जिसकी 4 फीट की विंडो पीछे निकल रही है। इस बेडरूम से बाहर आते हैं तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये हमारे पास है किचन, जिसके हमारे पास साइज है 10 फीट बाई 12 फीट, जिसकी एक 4 फीट की विंडो पीछे निकल रही है, 4 फीट की विंडो यहाँ पर निकल रही है। और किचन के साथ में यहाँ पर देखिए दोस्तों, स्टेयर केस है, यहाँ सब करेंगे और यहाँ पर डाउन हो जाएंगे और 3 फीट बाई 6 फीट का हमारे पास स्टेयर केस का लैंडिंग हुआ और इसके नीचे आप चाहो तो स्टोर रूम बना सकते हो किचन के साथ में। ठीक है, तो ये कुछ इस टाइप से इसका डिज़ाइन रहेगा। एक बार मैं आपको एक साथ दिखाता हूँ। 33 फीट बाई 32 फीट मकान की साइज है। यहाँ पर बरामदा, घर का मेन डोर है और डाइनिंग और लिविंग एरिया, बेडरूम है, टॉयलेट है, बेडरूम है और किचन है और यहाँ पर स्टेयर केस है। और अगर बात करते हैं इसका 3D का लुक, तो वो भी काफ़ी अच्छा आने वाला है। तो चलिए एक बार मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। तो अगर ये डिज़ाइन आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में, अपने परिवार के लोगों के बीच में शेयर करो, वीडियो को लाइक करिए। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमें सपोर्ट करने के लिए जो नीचे लाल बटन आ रहा है उसको प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में देखते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सब लोगों का धन्यवाद।